अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही होंगे। अजी तो फ्रेंड, आज रात 12 o'clock से पंजाब गवर्नमेंट लॉकडाउन स्टार्ट कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट लॉकडाउन 5 अगस्त तक रखेगी और लॉकडाउन में शॉपिंग मॉल, बाजार, शॉप, स्टोर सब बंद रहेंगे। जैसा बंद रहेंगे, ये गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, हमारी सेफ्टी के लिए कर रही है। प्लीज आप शिक्षक के दौरान जरूर रूल्स फॉलो किया करना। जब भी बच्चा बड़ा बाहर निकले तो जरूर मास्क लगा के जाया करें। जब घर में एंटर हो तो प्लीज सैनिटाइजर का जरूर इस्तेमाल किया करें। आपने ईद की शॉपिंग कम्प्लीट कर ली है, आपने कैसे कैसे ड्रेस बनाए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप शॉपिंग कहाँ तक पहुंची, लॉकडाउन से पहले कम्प्लीट हुई या नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ईद के जानवर जरूर ले लिया होगा। प्लीज आप अमीर के जानवर की पिक जरूर शेयर कीजिएगा। और जिस शख्स का कुर्बानी करने का इरादा हो, इसके लिए मैं एक हदीस का मफहूम बताना चाहता हूँ। जिस शख्स को दुलहन का चांद नजर आ जाए, वो कुर्बानी का इरादा रखता हो, उसे चाहिए कि कुर्बानी होने तक अपने बाल और नाखून ना कटवाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा हदीस का मफहूम समझ आ गया होगा। और मैं आने वाले दिनों में ईद की बकरा ईद पर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।